अ करंट कैरिंग वायर एसी इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, देन द फोर्स ऑन द वायर एसी विल बी। तो इस तरीके से एक हमें वायर दिया गया है जेड शेप का, और हमसे पूछा गया है इस वायर में जो है वो फोर्स बताइए अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है 10 टेस्ला का, और वायर है के अंदर करंट है 3 एम्पीयर। तो हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है एफ वेक्टर इज इक्वल टू वो होता है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। क्लियर, साइन थीटा किस किस के बीच का एंगल है, एल और बी के बीच का एंगल है। तो सबसे पहले हम यहां पर एल फाइंड आउट कर लेते हैं, तो एल हो जाएगा हमारा ये डिस्टेंस, ये हमारा एल। क्लियर, और एल की वैल्यू कितनी है यहां पर हम देख रहे हैं, ये है 6, ये है 8, सो एल हो जाएगा एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सो एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एल कितना आया 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये इस तरीके से बनेगा, ये है एल वेक्टर। क्लियर, एल वेक्टर, ये है इनिशियल और ये है फाइनल पॉइंट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है हम पुट कर देते हैं, आई इज 3 एम्पियर इंटू 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। ठीक, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है, हमें यहाँ पर मीटर में वैल्यू पुट करनी है। बी कितना है 10 टेस्ला, एंड साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये है एल वेक्टर और बी किधर है इंटू द पेज। तो एल और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 90। तो आंसर कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन का जो है वो फोर्स इस वायर के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा।